तो चलो चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, दूसरा क्लास है हमारा। लास्ट क्लास में हमने रेयॉन तक पढ़ लिया था। आज जिस टॉपिक से हमें स्टार्ट करना है वो टॉपिक है नाइलॉन। और नाइलॉन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहली चीज, इट इज अ ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, ये पहला आर्टिफिशियल फाइबर था जो कंप्लीटली आर्टिफिशियल था, जिसमें किसी भी तरीके के नेचुरल सोर्सेज का यूज नहीं किया गया था, ना ही प्लांट सेल्यूलोज लिए गए थे या ना वुड पल्प लिया गया था, कुछ नहीं किया गया था। ठीक है, उस चीज को भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इट इज नॉट मेड फ्रॉम फ्रॉम एनी नेचुरल फाइबर एज अ रॉ मटेरियल। एनी नेचुरल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लिख सकते हैं हम लोग, नेचुरल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। किसी भी नेचुरल सोर्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया है इसमें, कोई भी नेचुरल फाइबर यूज नहीं किया गया। जैसे रेयॉन के बारे में हम लोग जान रहे थे, रेयॉन के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे हमने ये जाना था कि वहां पे क्या किया गया था, वुड पल्प लिया गया था और उसकी केमिकल प्रोसेसिंग कराई गई थी, है ना। वल्कनाइट रबर के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स लेते हैं, सल्फर के साथ उसको ट्रीट कर देते हैं, तब जाके वल्कनाइट रबर बनता है। नेचुरल रबर को सल्फर के साथ ट्रीट करते वल्कनाइट रबर बनता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कोई दूसरी नेचुरल सोर्स यूज नहीं किया गया, ये कंप्लीटली आर्टिफिशियल, कंप्लीटली मैनमेड है ये। इसी कारण से इसको हम लोग वंडर पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पहली बार जब ये बना तो सबके लिए ये वंडर ही था। तो नाइलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड अ वंडर पॉलीमर। आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई खास टफ चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे अभी। अब देखो बच्चे, इसके बाद ना नोमेनक्लेचर पे आते हैं हम लोग कि आखिर इसका नाम नाइलॉन कैसे पड़ा। ठीक है, साइंस में या जब भी हम लोग केमिकल्स से रिलेटेड बातें करने लगते हैं, केमिस्ट्री में इंटर करने लगते हैं, तो नाम जनरली जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंपाउंड बनता है, उनके केमिकल नेम से मिले जुले हुए होते हैं। तो नाइलॉन भी एक तरीके का केमिकल प्रोडक्ट ही है, केमिकल से ही बना है ये, बट फिर भी इसका नाम उन केमिकल कंपाउंड्स के नाम पे नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि ये एक फाइबर है, ये एक ऐसी चीज है जो कि काफी कॉमनली यूज होने वाली थी या यूज होती है आज के डेट में, हम लोग ये जानते हैं। और इस कारण से एक नाम ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो, मीनिंगफुल हो, कुछ इंपॉर्टेंस बताए ये नाम, साथ ही साथ लोगों के लिए इजी हो जाए। तो जहां पे इसकी R&D चल रही थी बच्चे, नायलॉन फाइबर के लिए, नायलॉन पॉलीमर को बनाने के लिए जो दो मेजर सिटीज थी, या जिन दो मेजर सिटीज के साइंटिस्ट्स के कलेक्टिव एफर्ट्स से ये नायलॉन फाइबर बना, उस उन साइंटिस्ट्स की सिटीज के नाम पे रख दिया गया इसका नाम नाइलॉन। और वो दो सिटीज कौन सी हैं उसको समझ लो। NY जो है ये स्टैंड करता है न्यूयॉर्क के लिए, जो कि लोकेटेड है USA में, और LON जो है ये स्टैंड करता है लंदन के लिए, जो कि लोकेटेड है ग्रेट ब्रिटेन में। सो ये दो सिटीज का नाम न्यूयॉर्क एंड लंदन, इन दोनों के नाम पे रख दिया गया नायलॉन का। ठीक है,
तो हम लोग क्या जानते हैं नायलॉन के बारे में? पहली चीज, नायलॉन इज अ ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर। ये पहला आर्टिफिशियल फाइबर था जिसमें बिना किसी तरीके के नेचुरल सोर्स के, बिना किसी नेचुरल फाइबर की केमिकल प्रोसेसिंग के, कंप्लीटली पेट्रोलियम से निकाली गई केमिकल्स को यूज किया गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज किया गया और उससे इसको प्रिपेयर किया गया। चूंकि ये पहला था, चूंकि साइंटिस्ट या कॉमन लोगों ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ केमिकल्स के यूज से फाइबर बन सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग वंडर पॉलीमर भी कहते हैं। नेमिंग कैसे की गई नायलॉन की? एन वाइफ ऑफ नायलॉन स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क, एंड LON, द लास्ट थ्री अल्फाबेट ऑफ नायलॉन स्टैंड फॉर असिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज लंडन। सो ये हम लोग जानते हैं। आगे अगर हम लोग आए तो जो अगली चीज हमें जाननी है वह है यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको समझने की हमें जरूरत है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या जानते हैं, दैट नायलॉन इज अ वेरी इलास्टिक पॉलीमर। नायलॉन इज वेरी इलास्टिक, इट इज वेरी इलास्टिक इन नेचर। और चूंकि ये इसकी क्वालिटी है कि ये इलास्टिक है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, साथ ही साथ इसका जो अपियरेंस आता है वो सिल्क लाइक है, सिल्क के जैसा ही एक शाइनी अपियरेंस आता है इसका। काफी ज्यादा क्लोज नहीं है ये सिल्क के, बट इसका लुक जो है, टेक्सचर एंड फील नहीं, जस्ट लुक, जो इसकी जो ये दिखता है, ये देखने में एक बार के लिए आप हो सकता है कंफ्यूज हो कि ये सिल्क है या नायलॉन है। सो इट इज वेरी इलास्टिक इन नेचर, टेंसाइल, एंड हैज एन अपियरेंस ऑफ सिल्क। और इसकी इन क्वालिटीज के कारण ही इसको हम लोग यूज करते हैं, हेंस इट इज जनरली यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स वगैरह बनाने में इसको यूज कर लिया जाता है, कारपेट्स में यूज किया जाता है इसको, जो ऑब्वियसली जो वैसे कारपेट्स जो थोड़े चीप क्वालिटी के होंगे, जो जिनकी बनावट जो है वो रेयॉन और सिल्क के जितनी फाइन नहीं होगी, उनमें यूज किया जाता है, एंड वेरियस होशियरी आइटम्स, कई सारी घर में यूज होने वाली सजावट की कई सारी वस्तुओं में इसका यूज किया जाता है। सेकंड अगर हम लोग बात कर लें तो नायलॉन का चूंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये हमने पढ़ा अभी, तो इसके कारण कई सारे मिलिट्री एप्लीकेशंस में इसको यूज करते हैं हम लोग। नायलॉन इज यूज्ड इन वेरियस मिलिट्री एप्लीकेशंस। मिलिट्री एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशंस मतलब ऐप नहीं है, यूजेस है। मिलिट्री के लिए ये कई तरीके से यूज में आता है, मिलिट्री वाले इसको कई तरीके से यूज करते हैं, लाइक रोप्स के फॉर्म में, नायलॉन की बनी हुई रोप्स को काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, या नाइलॉन से रोप्स को बनाया जाता है, पैराशूट्स जो है उनको भी बनाया जाता है इन्हीं से, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसकी मतलब होती है कि एक थ्रेड ले लेना है आपको, बस किसी भी चीज की अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका ये है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ले लेना है। नाइलॉन की हम लोग यहाँ बात करें तो नाइलॉन का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ले लेंगे, उस पे हम लोग लोड
डालते हैं और ये देखते हैं कि वो कितने लोड को सह पाता है। और देखो बच्चे, कितने लोड को सह पाता है उससे समझ में आता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना ज्यादा या कितना कम है। और एक काफी शॉकिंग चीज है कि एक पतली सी स्टील वायर ले ली जाए और एक पतली सी सेम रेडियस के साथ नाइलॉन वायर ले ली जाए और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर किया जाए, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि नायलॉन जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी स्टील के वायर से। दैट मींस कि आप रिलाई कर सकते हो नायलॉन पे। दैट इज व्हाई मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज किया जा रहा है इसको, रोप्स के लिए, पैराशूट्स के लिए। हल्का भी है, वो भी एक रीजन है, कैरी करना आसान हो जाता है, ड्यूरेबल है, ये काफी लंबे वक्त तक चलता है, मेंटेनेंस नहीं चाहिए इसको काफी ज्यादा। सो दीज ऑल आर द रीजन जिसके कारण हम लोग नायलॉन को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं कई सारी चीजों में। चलो और आगे पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, अभी हमने बात की हाईली ड्यूरेबल है ये, काफी लंबे वक्त तक चलता है, काफी जल्दी जल्दी खराब नहीं होता ये। इट इज हाईली ड्यूरेबल और इसी कारण से सीट बेल्ट आपने देखा होगा उनमें यूज किया जाता है इनको, क्योंकि स्ट्रांग है, काफी लंबे वक्त तक चलेगा, आप रिलाई कर सकते हो उस पर। सेफ्टी की जहां तक बात है, वहां जब सेफ्टी की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि जिसके थ्रू सेफ्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वो खुद स्ट्रांग है कि नहीं। तो नायलॉन एक काफी अच्छा ऑप्शन आता है यहाँ पे। टायर कॉर्ड्स में भी यूज किए जाते हैं, रेयॉन का भी यूज किया जाता है टायर कॉर्ड्स में, बट अब यहाँ पे एफिशिएंसी को ज्यादा बढ़ाएगा कौन? नायलॉन। रेयॉन का मुकाबले नायलॉन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा देगा। कई सारे कपड़ों में भी इसको यूज किया जाता है एक सिल्क लाइक लुक देने के लिए, थोड़े कम क्वालिटी में ही, थोड़े सस्ते में ही सिल्क लाइक लुक देने के लिए और कपड़े की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि कपड़ा लंबे वक्त तक चले, इसके लिए भी नायलॉन का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग नॉर्मल चीजों पे भी आए, नॉर्मल चीजों पे ही भी बात करें, तो कई सारे ऐसे हाउस होल्ड के आइटम्स हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं, लाइक टूथ ब्रशेस, कॉम्ब्स, हुक्स एक्सेट्रा, इनमें आता है ये। वेरियस आइटम्स ऑफ डेली नीड्स, हमारी जो डेली नीड्स की आइटम है ना कई सारी, या घर पे जो हम लोग यूज करते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है काफी, लाइक टूथब्रशेस होगा, कम्स हो गए, हुक्स हो गए, और भी कई सारी चीजें। हम देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि यहाँ पे पुट किए जा सकते हैं कि नायलॉन यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। नायलॉन का काफी ज्यादा डाइवर्स यूज है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, नायलॉन के रोप्स मिलिट्री एप्लीकेशंस में तो यूज होते ही हैं, माउंटेनियर्स इसको यूज करते हैं, ठीक है। माउंटेनियर्स के बारे में आप जानते हो, रॉक क्लाइंबिंग के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, फिशिंग नेट्स बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, ऑल्सो यूज बाई Also used for making rock climbing ropes. पहाड़ चढ़ने के लिए जो रस्सियां बनती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। तो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम लोग एग्जाम्पल बात कर रहे थे, तो आप इससे भी समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कितनी ज्यादा ड्यूरेबल, ये कितना ज्यादा आप कितना ज्यादा रिलाई कर पाते हो इस पर, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स, सॉरी फिशिंग नेट्स, और भी कई सारी ऐसी छोटी बड़ी चीजें हैं जिनमें यूज किया जाता है इसका। लोग इसी लिख के इसको खत्म करेंगे। सो दिस वाज द यूज ऑफ नायलॉन। क्या क्या पढ़ लिया हमने नायलॉन में? सबसे पहले हमने जाना नायलॉन पहला आर्टिफिशियल फाइबर है जिसको यूज किया, जिसको डेवलप किया गया, वंडर फाइबर भी कहते हैं हम लोग इसको,
ना, नाइलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के नाम से मिलकर आया है। यूजेज की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि नाइलॉन काफी ज्यादा इलास्टिक है नेचर में, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी काफी ज्यादा है और इसकी अपियरेंस सिल्क के जैसी है, इसीलिए हम लोग इसका यूज सॉक्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में और कई सारी दूसरी हौसियरी आइटम्स बनाने में करते हैं। ठीक है, नाइलॉन के यूजेज जो है वो कई सारे मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी किए जाते हैं। मिलिट्री जिस जिन रोप्स का यूज करती है या मिलिट्री में जिन जैसे पैराशूट्स का यूज किया जाता है, वो सारे में कहीं ना कहीं नायलॉन यूज होता है। नायलॉन की ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, इसीलिए इसका यूज जो है वो सीट बेल्ट वगैरह बनाने में भी हम लोग करते हैं, टायर कॉर्ड्स बनाने में करते हैं, टायर की एफिशियंसी बढ़ जाती है। कई सारे क्लॉथ्स जो हैं उनमें सिल्क लुक देने के लिए थोड़े सस्ते में ही, प्लस उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए कि वो जल्दी खराब ना हो, मेंटेनेंस जो है उसको कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ डेली नीड्स की कई सारी आइटम्स हैं लाइक टूथब्रश, कॉम्ब्स एक्सेट्रा, उसको भी हम लोग बनाते हैं। फिशरमैन जो फिश नेट्स का यूज कर रहे हैं या माउंटेनियर्स जो क्लाइंबिंग रोप्स का यूज कर रहे हैं, उनको भी नायलॉन से ही बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे इस वाले में हम लोग एक और छोटा सा है उसको पढ़ लेंगे और खत्म करेंगे इसको। उसके बाद डाउट क्लास में जाएंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या डाउट रह गए हैं आपको। अगला है टेरिलीन। ठीक है, नाइलॉन के बाद ये हमारा अगला सिंथेटिक फाइबर है जो कि ये भी कंप्लीट सिंथेटिक है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो नाइलॉन के जैसा ही इसमें भी इलास्टिक होती है, तो शुरू से लिखते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट इट्स आर ऑब्लिगेशन की हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो लिख ही दें इसके लिए भी। इट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर, इलास्टिक है ये इसकी एक क्वालिटी है, इट इज इलास्टिक इन नेचर। इट इज हाईली ड्यूरेबल, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, आप अगेन इसको काफी ज्यादा स्ट्रांग चीजें बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, एक सबसे अच्छी बात जो है टेरिलीन की वो ये है कि इट मेक्स द क्लॉथ्स और द मटेरियल्स रिंकल फ्री। ठीक है, तो रिंकल फ्री तो एक्चुअली हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि मिक्स करते हैं हम लोग, बट ये रिंकल रेजिस्टेंट है, काफी हद तक रिंकल्स को आने से रोकता है। जैसे अगर आप कॉटन के कपड़े पहनो ना, तो आप देखोगे कि रिंकल्स काफी जल्दी आते हैं, सिल्क में रिंकल्स काफी जल्दी आ जाएंगे, आप लेनिन भी इनफैक्ट यूज करते हो तो उसमें रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, तो टेरिलीन उन सबसे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद एक और चीज है जो हमारे कपड़ों को खराब कर देती है, वह है मॉथ। तो मॉथ को भी कई हद तक ये रोकता है, मॉथ आने नहीं देता क्लॉथ्स पे, तो इसलिए ये मॉथ रेजिस्टेंट हुई है। ठीक है, नाइलॉन नहीं है मॉथ रेजिस्टेंट, आप ये याद रखना। ठीक है, नाइलॉन की जो रेजिस्टेंसी है मॉथ को लेके और टेरिलीन की जो है उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो टेरिलीन आगे है। अब इसकी इतनी सारी जो क्वालिटीज हैं इसके कारण से ये भी पॉपुलर होगा अपने ग्रुप में, तो इसके भी यूजेज को जान लेते हैं हम लोग कि भाई कैसे कैसे यूज किया जाता है इसका, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो टेरिलीन की यूजेज में हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा देखोगे फैब्रिक्स बनाने में यूज किया जाता है। आप आपके घर पे कोई भी कपड़ा है, आप उसको उठाओ, उसके टैग को पढ़ो, आप उसमें देखोगे 5%, 10%, 15%, 20% टेरिलीन इज ऑलवेज मिक्स्ड। तो सबसे मेनली इसका काम क्या है, इट इज लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, फैब्रिक्स बनाने में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि टेरिलीन की एक और खासियत क्या है कि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, वाटर को होल्ड नहीं करता और काफी स्ट्रांग है ये। ठीक है, इस कारण से इसको जो बोट्स होती हैं उनकी सेल्स जो है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा जो शिप्स होती हैं उसमें कपड़े के बड़े बड़े सेल्स लगे हुए होते हैं जो कि
एयर को पास होने से रोकते हैं, तो एयर उससे टकराती है, तो पूरी शिप जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एयर, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, वो भी आगे की तरफ स्पीड में बढ़ती है। ठीक है, तो टेरिलीन का यूज उसके लिए भी किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। सिंस इट इज, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, सिंस इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, हेंस इट इज यूज्ड टू मेक सेल्स ऑफ बोट एंड रेनकोट्स। ठीक है, तो चूंकि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग यूज कर देते हैं किस चीज। चलो तो अगली पॉइंट को समझते हैं, टेरिलीन का अगला यूज क्या है। थर्ड पॉइंट में हम लोग को जानना है, कन्वेयर बेल्ट्स आपने शायद देखे होंगे, उन कन्वेयर बेल्ट्स को बनाने के लिए भी टेरिलीन का यूज किया जाता है। आपने नहीं देखा तो मैं पिक्चर एक लगा दूंगा कुछ उसके अंदर। और एक और यूज जान लेते हैं इसका हम लोग, होम फर्निशिंग्स जो है, आपके जो बेड कवर्स हो गए, बेड नहीं एक्चुअली सोफा वगैरह के कवर जो हो गए, कर्टन वगैरह जो है, उसमें भी काफी ज्यादा टेरिलीन का यूज किया जाता है। तो एक चीज हम लेके पॉइंट यहाँ लिख लिख देते हैं, यूज्ड फॉर होम फर्निशिंग। तो क्या क्या जाना हमने टेरिलीन के बारे में? टेरिलीन के बारे में हमने जाना कि जस्ट लाइक नायलॉन, ये भी एक आर्टिफिशियल फाइबर है, और नायलॉन के जैसे ही ये भी इलास्टिक नेचर का है, नायलॉन के जैसे ही ये भी ड्यूरेबल है, रिंकल रेजिस्टेंट और मॉथ रेजिस्टेंट जो है, ये इसकी आप कह सकते हो एक यूनिक चीज है जिसके कारण टेरिलीन अलग होता है नायलॉन से। ठीक है, ये रिंकल रेजिस्टेंट है, मॉथ रेजिस्टेंट है, और इनकी इस क्वालिटीज के कारण हम लोग इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं फैब्रिक्स बनाने में। आप अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जो भी कपड़ा पहने हुए हो, आपके आसपास में जो भी कपड़ा होगा, जो आप पहनते हो, आप उस पे टैग जो लगा हुआ था उसको ध्यान से पढ़ना, आप देखोगे देर विल बी 10 और 20% और 15% मिक्स ऑफ टेरिलीन, कॉटन के साथ मिक्स कर दिया गया होगा। ठीक है, कॉटन के साथ कोई और चीज होगी, कोई और फैब्रिक होगा, फाइबर होगा, उसके साथ इसको यूज किया गया होगा। तो एज अ फैब्रिक इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। टेरिलीन की एक और क्वालिटी है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो काफी ज्यादा गीला नहीं होता ये, इसी कारण से रेनकोट्स बनाने में, बोट की सेल्स बनाने में, हमारे छाते का जो ऊपर का जो कवर होता है ब्लैक वाला जो हम लोग देखते हैं, उसमें टेरिलीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में, हमारे घर के जो सोफा वगैरह के कवर्स हैं उन पे भी टेरिलीन का यूज किया जाता है। ठीक है, और देखो बच्चे, सिर्फ इतना ही है, टेरिलीन को वुल के साथ मिला दो तो एक नया फैब्रिक हम लोग उसको कहते हैं टेरी वुल। ठीक है, टेरिलीन को कॉटन के साथ हम लोग मिला देते हैं और उसको कह देते हैं हम लोग टेरी कॉट। ठीक है, तो टेरिलीन जो है वो काफी डाइवर्स वे में यूज होता है फैब्रिक्स में, है ना, टेरी वुल, टेरी कॉट, ये जो आपने नाम सुना होगा, टेरी सिल्क, टेरिलीन और सिल्क को मिला दीजिए तो जो कपड़ा बना वो टेरी सिल्क है, ये सब कुछ जो है वो फैब्रिक्स बनाने में यूज हो रहा है। तो आज की क्लास में हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा, उसके यूजेज पढ़े, टेरिलीन पढ़ा, उसके यूजेज पढ़े। ठीक है, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ एक्रिलिक फाइबर्स के बारे में जानेंगे, पीईटी, पॉलीथीन, टेट्राफ्थलेट के बारे में जानेंगे हम लोग, एडवांटेजेस जानेंगे सिंथेटिक फाइबर्स को यूज करने के, फायदे क्या है, साथ ही साथ नुकसान को भी जानेंगे, और फिर आगे प्लास्टिक्स वगैरह के बारे में अगली वीडियोज में समझते जाएंगे।